नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम टाइम्स विद न्यूज नॉक इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ सृष्टि पांडे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपने मित्र शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीएसएफ ने जम्मू के 35 बच्चों के लिए 8 दिवसीय भारत दर्शन का किया आयोजन। कांग्रेस से इस्तीफा देकर आजाद ने रखी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की नींव। पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर हैं, जिसको लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि यात्रा पीएम मोदी के लिए अपने प्रिय मित्र और भारत जापान के चैंपियन की स्मृति को सम्मानित करने का एक अवसर है। इस यात्रा के दौरान पीएम बुडोकन में राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे और अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा और आबे की पत्नी से भी मुलाकात करेंगे। क्वात्रा ने कहा कि 20 से अधिक राज्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के कल राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा उनके लिए पूर्व आबे की स्मृति को सम्मानित करने का एक अवसर है, जिन्हें वह एक प्रिय मित्र और जापान भारत संबंधों का एक महान चैंपियन मानते थे। विदेश सचिव ने कहा कि आबे ने भारत जापान संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों को व्यापक और रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया, जिससे यह दोनों देशों और क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। जापान भारत के सबसे भरोसेमंद और मूल्यवान रणनीतिक साझेदारों में से एक है। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू क्षेत्र में सुदूर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चों का 8 दिवसीय भारत दर्शन का दौरा शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले इस दौरे में 35 बच्चे, 20 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हैं। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि ये छात्र मामूली पृष्ठभूमि के हैं और इन्हें सुदूर सीमावर्ती इलाकों से चुना गया है। दौरे के दौरान बच्चों को गुजरात के कमला नेहरू चिड़ियाघर, साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती आश्रम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, अक्षरधाम मंदिर, गुजरात साइंस सिटी, अमूल डेयरी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे विभिन्न स्मारकों को देखने का मौका मिलेगा। इस दौरे के दौरान बच्चों को गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने का भी मौका मिलेगा। महानिरीक्षक बीएसएफ जम्मू डी के बुरा ने बच्चों के साथ बातचीत की और कहा कि अब इन बच्चों के लिए न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने बल्कि हमारे देश की विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने का यह एक बड़ा अवसर है। इन दौरों ने जम्मू क्षेत्र के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता के बीच भारी लोकप्रियता हासिल की है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के ठीक एक महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज सोमवार को घोषणा की कि उनके नए राजनीतिक संगठन का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा जाएगा। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में नई पार्टी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि यह संगठन धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और किसी भी प्रभाव से स्वतंत्र होगा। इसी के साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया गया। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी पूर्ण राज्य की बहाली, भूमि के अधिकार और मूल निवासी को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके राजनीतिक दल की पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।